प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल हम इसी तरह से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो हमने इससे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा का पूरा किया था और इसके बाद हमने अंधायुग प्रारंभ किया था। अंधायुग 12th क्लास में जेके बोर्ड में लगा हुआ है, तो इसके विषय में कई दिनों से मैं आपके साथ चर्चा कर रहा था। पहला अंक की थोड़ी थोड़ी करके कथा मैंने आपको बताई भी थी, लेकिन अभी मैं आपके सामने इस अंक की पूरी कथा, साथ में अंधायुग की पृष्ठभूमि क्या है, इसके विषय में भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, जिससे कि आप अंधायुग को और अधिक अच्छी ढंग से समझ सको। अन्यथा आप इस कथा को पढ़ेंगे, कुछ चीजें आपकी समझ में नहीं आएंगी। तो मैं सबसे पहले अंधायुग क्या है, किसके द्वारा लिखा गया है, किसके ऊपर आधारित है और इसकी पृष्ठभूमि क्या है, मैं इन सभी विषयों पर थोड़ा थोड़ा करके चर्चा करूंगा। उसके बाद हम अंधायुग के विषय में बात करेंगे। तो ये जो अंधायुग आपके सामने मैंने रखी है, ये धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। ये एक काव्य नाटक है। इसमें दो चीजें हैं, काव्य और नाटक। ये काव्य और नाटक मिलकर काव्य नाटक बनता है, या गीति नाटक इसको कहते हैं। तो ये काव्य नाटक के गुण क्या है, ये इसके जो तत्व हैं वो नाटक की भांति होते हैं, संवाद होते हैं, लेकिन जो संवाद होते हैं वो कविता में लिखे गए होते हैं, जो सबसे बड़ी बात ये है। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि काव्य नाटक किसे कहते हैं, वो एक नाटक है और जिसके संवाद हम कविता के माध्यम से पढ़ते हैं या कवि लिखता है, उसको हम गीति नाटक कहते हैं या काव्य नाटक कहते हैं। तो ये काव्य नाटक है जो अंधायुग आपको लगा हुआ है। तो अंधायुग की जो सारी की सारी कथा है वो महाभारत के ऊपर आधारित है। महाभारत क्या था, महाभारत एक वेद व्यास द्वारा लिखा गया था, एक ग्रंथ है जो हमारी हिंदू संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसका एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। हो सकता है, संभवतः आप में से बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये ना जानते हो कि महाभारत क्या है, कौरव पांडव कौन है। तो इसको पढ़ने से पहले, ये जो महाभारत आप, ये जो अंधायुग आपके सामने रखा है, जो महाभारत पर आधारित ये कथा है, इसको पढ़ने से पहले हमें थोड़ा बहुत ज्ञान कौरवों पांडवों का और इसके साथ साथ हमें महाभारत का ज्ञान होना चाहिए। इसकी जो कथा है वो महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन की संध्या से लेकर और कृष्ण की मृत्यु तक का वर्णन है, कृष्ण के अवसान तक का वर्णन है, उसके बीच में घटनाओं को परोया गया है। और इसका जो कथानक है वो इस तरह से गढ़ा गया है कि जो युद्ध होता है, जो चाहे इसकी कथा महाभारत के युद्ध को आधार बनाकर ली गई, लेकिन जो एक बहुत बड़ी समस्या जो इसमें उठाई गई वो ये थी कि युद्ध और उसके बाद की परिस्थितियां कैसी हो जाती हैं, युद्ध की विभीषिका कैसी होती है, उसके दुष्परिणाम कैसे होते हैं और किस तरह से कुंठित हो जाते हैं लोग और किस तरह से उनको भुगतना पड़ता है, ये सारी की सारी चीजें एक ऐतिहासिक घटना को आधार बनाकर वर्तमान के ऊपर भी पूरी की पूरी तरह से इसको उतारा गया है। इसकी बात करने से पहले मैं महाभारत की बात करूंगा, कौरवों पांडवों की बात करूंगा, जिसके विषय में आपको ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। ये कौरव कौन थे, पांडव कौन थे, मैं आपको बता दूं तो एक थोड़ी सी कथा मैं आपके सामने रख रहा हूं, कहानी रख रहा हूं। अगर आपको वो अच्छी तरह से आप आत्मसात कर लें तो मुझे लगता है कि आप अंधायुग को बड़े अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो ये कथा क्या थी, कुरुवंश, जिसके नाम पर इनका नाम कौरव बना। तो कुरुवंश एक कुरु महान राजा हुए भारत में, तो उनकी संतान, उनके वंशज हुए शांतनु, ध्यान रख दें आप, शांतनु उनके वंशज हुए। तो एक बार वो गंगा के किनारे टहल रहे थे तो गंगा स्त्री के रूप में उनके सामने आई, उन्होंने गंगा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, गंगा ने स्वीकार किया, लेकिन गंगा ने एक शर्त रखी कि आप, मैं जो भी करूं, जो मेरी संतानें होंगी मैं उनके साथ जो भी करूं आप मुझसे नहीं पूछेंगे। इस पर क्या हुआ कि जब जब उनके यहां संतान होती उस तरह से वो गंगा नदी में बहा दी जाती। और उसके बाद जब ये जो भीष्म पितामह जिनका नाम देवव्रत था बेसिकली, जब ये आठवीं संतान हुई तो शांतनु ने गंगा को रोक लिया, कहा कि आप इसको, आपने पहले भी मेरी सात संतानों को आप गंगा में बहा चुकी हो, ये आठवीं संतान है इसको भी बहाने जा रही हो, तो कारण क्या है मुझे बताओ। गंगा ने कहा कारण मत पूछो, आपने मेरे साथ एक वायदा किया था कि आप मेरे किसी भी कार्य में दखल नहीं दोगे, मुझे पूछोगे नहीं,
अब आपने पूछ लिया है तो ये आठवीं संतान जो आपके पास रहेगी, मैं वापस जा रही हूं। तो गंगा पुनः गंगा में समाहित हो गई और उनका पुत्र जो था देवव्रत, उनको उन्होंने शांतनु के पास छोड़ दिया। ये देवव्रत पूर्व जन्म में क्या था, इसकी एक कथा है। ये बेसिकली आठ वसु थे, इंद्र की राजसभा में किसी कारण से श्राप मिला जिनके कारण इनको पृथ्वी पर आना था। पृथ्वी पर आने के लिए गंगा को एक तरह से आधार बनाया गया। गंगा को आधार जब बनाया गया तो गंगा ने इन वसुओं को जन्म दिया, जो जन्म लेते ही वापस अपने अपने लोक में चले गए, लेकिन देवव्रत जो थे वो यहीं पर रह गए। इस तरह से देवव्रत का पालन पोषण होने लगा। बीच में एक बार फिर से शांतनु जो थे वो नदी के किनारे टहल रहे थे, तो उन्होंने वहां पर सत्यवती को देखा। सत्यवती के सामने भी उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। ये जो सत्यवती थी, इसका पहले नाम मत्स्यगंधा था। मत्स्यगंधा मछली के पेट से पैदा हुई थी ये, और इसके शरीर से मछली की गंध आया करती थी, तो जिसके कारण इसका नाम मत्स्यगंधा था। एक नाविक ने इसको पाला और ये भी इसी तरह गंगा को, नदी को पार करवाने का काम किया करती थी। एक बार पराशर ऋषि जहां उनके सामने गुजरे, उन्होंने मत्स्यगंधा को देखा तो उन्होंने उनके साथ संसर्ग करने के लिए कहा। इस पर मत्स्यगंधा ने दो शर्तें रखी कि एक तो मेरा कौमार्य बना रहे और दूसरा मेरे शरीर से जो मछली की गंध आती है वो चली जाए। तो दोनों वरदान जो थे वो सत्यवती और उसको मत्स्यगंधा को मिले। उसके बाद उनका नाम बदलकर सत्यवती रख दिया गया और इस संसर्ग से उत्पन्न जो पुत्र था वो व्यास था। इस तरह से जो वेद व्यास थे वो सत्यवती के पुत्र थे। जब शांतनु ने सत्यवती को देखा तो उसके सामने भी विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती ने शांतनु से कहा कि ये निर्णय तो मेरे पिताजी ले सकते हैं, मैं इसके विषय में कुछ नहीं कह सकती। इस पर शांतनु उनके पिता से मिले। उनके पिता ने भी आगे शांतनु के सामने एक प्रस्ताव रख दिया कि मेरा पुत्र ही राजा बनेगा। अब शांतनु कुछ चिंतित हो गए क्योंकि देवव्रत जो भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए, बड़े पुत्र तो वो थे, राजा तो उनको बनना था, लेकिन वो घर में आकर उदास रहने लगे। जब देवव्रत ने देखा कि पिताजी क्यों उदास रहते हैं, एक बार पिताजी का पीछा करते करते वो वहां तक पहुंच गए, यहां पर सत्यवती का घर था। जब उन्हें पूरी घटना का पता चला तो वो सत्यवती के पिता के पास पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने जब पूछा कि आप सत्यवती का विवाह जो है मेरे पिता से क्यों नहीं कर देते, इस पर उनके पिता ने कहा कि मैंने शर्त रखी थी तुम्हारे पिता के सामने कि मेरी बेटी का पुत्र जो है वही राजा बनेगा। तो इस पर उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं राजा नहीं बनूंगा, जो इनका पुत्र होगा वही राजा बनेगा। इस पर सत्यवती के पिता ने कहा कि तुम तो मान जाओगे लेकिन कल को तुम्हारी संतानें होंगी, वो राज्य पर अपना अधिकार जमाएंगी। इस पर देवव्रत ने उस समय प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन जो है वो ब्रह्मचारी रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा, संतान उत्पत्ति नहीं करूंगा और जो सत्यवती के पुत्र हैं वही राजा बनेंगे। इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत का नाम आगे जाकर भीष्म पड़ा और भीष्म पितामह के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। सत्यवती का विवाह जो था वो शांतनु के साथ हो गया। यहां से उनके दो पुत्र पैदा हुए, एक चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद जो थे वो एक युद्ध में मारे गए। विचित्रवीर जब विवाह के योग्य हुए, राज करते थे, तो जो भीष्म पितामह थे तो काशी राज की तीन कन्याएं थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका, उनका स्वयंवर चल रहा था, तो वहां से वो उन तीनों कन्याओं को हर कर ले आए। जब हर कर ले आए, दो का विवाह तो विचित्र वीर के साथ हो गया, लेकिन जो बड़ी लड़की थी अंबा, उसने कहा कि मैं शल्य राज को पहले ही अपना पति मान चुकी हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, सम्मान आपको वहां पर पहुंचा दिया जाएगा। और जैसे ही सम्मान उनको वहां पर पहुंचाया गया, शल्य राज ने उनसे विवाह करने से इनकार कर दिया। तब अंबा जो थी उसने प्रतिज्ञा की थी, आकर वापस उनसे कहा था कि भीष्म मुझसे विवाह करें। एक ये भी एक लंबी कथा है। फिर वो परशुराम के पास गई और लास्ट में उसने ये कहा कि मैं भीष्म की मृत्यु का कारण बनूंगी। तो इस तरह से विचित्र वीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका के साथ हुआ, लेकिन संतान होने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। इस पर जो आगे कुरुवंश किस तरह से चले, इस पर सत्यवती को चिंता होने लगी। बाद में देवव्रत से भी उसने कहा कि आप विवाह कर लो। देवव्रत, भीष्म पितामह ने कहा मैं विवाह कर चुका हूं, मैं एक प्रतिज्ञा कर चुका हूं, अब मैं विवाह नहीं करूंगा। इसके बाद उन्होंने अपने जो प्रथम पुत्र था पराशर से उत्पन्न, उस व्यास को इसके लिए बुलाया। तो व्यास जब आए तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे सामने से ये अगर रानियां गुजरेंगी तो ये गर्भवती होंगी और इसके बाद इनकी संतानें होंगी। तो इस तरह से उनकी दो संतानें हुई, धृतराष्ट्र और पांडु।
धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे वो 100 पुत्र जो थे वो कौरव कहलाए, और पांडु का जो विवाह हुआ था वो कुंती और माधुरी के साथ हुआ था। कुंती के से उनसे उनके 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और माधुरी से उनके 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव। तो ये युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, नकुल और सहदेव, इनको आपको जानना चाहिए कि ये पांडव थे। और धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे दुर्योधन इत्यादि, दुशासन इत्यादि, वो कौरव थे। और जो युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच में, कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। ये किस कारण से युद्ध हुआ ये भी एक लंबी कथा है, बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा किस तरह से कथाएं हुई। तो उस घटना को जो इन दोनों कौरवों और पांडवों के बीच में जो ये युद्ध हुआ था उसी को आधार बनाकर जब युद्ध समाप्त हुआ उसकी विभीषिका कैसी होती है, किस तरह की परिस्थितियों का सामना जनता को करना पड़ता है, राजाओं को करना पड़ता है, इसी को आधार बनाकर जो धर्मवीर भारती ने एक तरह से ये अंधायुग लिखा। और ये अंधायुग लिखा गया उस समय महायुद्ध हो चुका था, उसके पश्चात की जो परिस्थितियां वह भी कुछ ऐसी ही थी जैसी महाभारत के युद्ध के बाद की परिस्थितियां थी। किस तरह से प्रत्येक पात्र एक तरह से कुंठाग्रस्त हो चुका था, किस तरह से प्रत्येक पात्र ने एक तरह से मर्यादाओं को तोड़ा था, किस तरह से एक स्वार्थ की भावना जो थी वो लोगों के मन में घर कर गई थी महाभारत के युद्ध में। उसका जो परिणाम निकला वो एक महायुद्ध निकला जिससे महाविनाश हुआ। और इसी तरह से वर्तमान में जो महायुद्ध हुए उसमें भी परिस्थितियां ऐसी ही थी कि लोग किस तरह से स्वार्थी हो चुके थे, किस तरह से ममता में अंधे हो चुके थे, स्वार्थ में अंधे हो चुके थे, और जिसके कारण युद्ध हुए और उसकी विभीषिका किस तरह से हुई, उसी को आधार बनाकर जो ये था ये अंधायुग लिखा गया। अब आते हैं हम अंधायुग के ऊपर। ये जो अंधायुग है धर्मवीर भारती ने लिखा हुआ है, इसके 5 अंक हैं, 5 अंक में विभाजित है। लेकिन उसके साथ साथ जब भी कोई कथाकार कथा करता है तो सबसे पहले वो मंगलाचरण करता है, और मंगलाचरण के बाद वो अपना जो भी है ग्रंथ लिखना आरंभ करता है। इसके जो पात्र हैं वो इनके टोटल जो पात्र हैं वो 1 स्त्री पात्र है और 15 पुरुष पात्र हैं, टोटल 16 पात्र हैं इसके। वो पात्र जो थे मैंने पिछले नोट्स में आपको बता चुका हूं, आप उसमें से देखिए, धीरे धीरे इसमें से भी चीजें आएंगी। ये जो अंधायुग था ये मंगलाचरण के साथ समाप्त होता है। इसके नोट्स आपके पास हैं, अगर आप देख सकें तो ये मंगलाचरण, अगर आप इसको पढ़ पाए तो इसको स्टिल करके आप पढ़ सकते हैं। तो मंगलाचरण में सबसे पहले क्या होता है कि ग्रंथकार एक तरह से अपने इष्ट की आराधना करता है जिससे कि उसको अपने कार्य में सफलता मिल सके। अंधायुग में भी धर्मवीर भारती ने इसी तरह से मंगलाचरण किया। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जयम उदीयरेत, अर्थात नारायण को नमस्कार किया है, नरोत्तम है जो नरों में उत्तम है, ईश्वर है, सरस्वती को नमस्कार किया क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम सरस्वती को जो है विद्या की देवी मानते हैं, ज्ञान की देवी मानते हैं, उसको नमस्कार किया। और व्यास को भी एक तरह से क्योंकि ये महाभारत को आधार बनाकर अंधायुग लिखा गया है और उनकी भी वो स्मरण करते हुए आगे चलते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि इस जो ग्रंथ है इसमें उस युग का वर्णन है जिसमें धर्म और अर्थ जो थे वो धीरे धीरे ह्रास को प्राप्त हो रहे थे। जिस युग का वर्णन इस कृति में है उसके विषय में विष्णु पुराण में कहा गया है, पुराण 18 है, उसमें से एक विष्णु पुराण है जिसमें इस चीज का वर्णन है। ततश्चानुदीन माल पहरासा विविच्छेदाद अधर्मार्थयोर जगत संक्षयो भविष्यति, उस भविष्य में धर्म अर्थ हरासन्मुख होंगे, खे होगा धीरे धीरे सारी धरती का। धर्म और अर्थ किस लिए कि दुनिया जो थी वो स्वार्थ में अंधी हो चुकी थी। ततश्चात एवाभिजन हेतु सत्ता होगी उनकी जिनकी पूंजी होगी, वर्तमान की परिस्थितियां सत्ता उसी के पास होती है जिसके पास पूंजी हो, और यही बात उन्होंने उस समय के युद्ध के विषय में भी कही। मैंने जैसे प्रारंभ में आपसे कहा कि युद्ध के बाद की विभीषिका वर्तमान की परिस्थितियों को आधार बनाकर ये जो लिखा गया ग्रंथ है आज भी वही परिस्थितियां हैं। कपट वेश धारण में महत्व हेतु जिनके नकली चेहरे होंगे केवल उन्हें महत्व मिलेगा, अर्थात मुखौटा पहने हुए मन में कुछ बाहर कुछ, इसी तरह की परिस्थितियों के साथ लोग सामने आएंगे। एवं चाति लुब्ध का राजा,
और राजा क्या होगा, लोभी होगा, वह प्रजापालक नहीं होगा। तो वर्तमान की परिस्थितियों के साथ तालमेल, सहछेलानामंतर द्रोणी प्रजा संश्रेयश्विंती, राज शक्तियां लोलुप होगी, जनता उनसे पीड़ित होकर गहन गुफाओं में छिप छिप कर दिन काटेगी। यानी जनता, राजा जनता का पालक नहीं होगा अपितु जनता उससे डरेगी। इसके बाद उसने युद्धोपरांत का वर्णन किया हुआ है, ये अंधा युग अवतरित हुआ जिसमें स्थितियां मनोवृत्तियां आत्माएं सब विकृत है एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, वह भी उलझी है दोनों ही पक्षों में, सिर्फ कृष्ण में साहस है सुलझाने का, ये है भविष्य का रक्षक, ये है अनासक्त, पर शेष अधिकतर हैं अंधे, पथ भ्रष्ट, आत्महारा विगलित, अपने अंतर की अंध गुफाओं के वासी, ये कथा उन्हीं अंधों की है, ये कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। ये जो लास्ट की पंक्ति उसने कही कि ज्योति की कथा वो लोग कह रहे हैं जो अंधे हैं, जो ज्योति के विषय में जानते नहीं है, तात्पर्य ये कि सभी पथ भ्रष्ट हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण। एक बात उसने सिर्फ की कि सिर्फ कृष्ण हैं, श्री कृष्ण हैं जिनमें इस सभी को सुधारने की एक तरह से कामना है, चेष्टा है, वो उनमें साहस है इस चीज को सुलझाने का। इसके बाद हमारी मंगलाचरण के बाद ये जो प्रथम अंक है ये आरंभ होता है, कौरव नगरी के नाम से यह प्रथम अंक है, यहीं से कथा का आरंभ होता है। कुल इसके 5 अंक हैं, हम पहले अंक को आरंभ कर रहे हैं, मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा, जहां भी मुझे आवश्यकता होगी कि यहां पर कुछ समझाने की आवश्यकता है तो मैं अवश्य आपके साथ उसकी चर्चा करूंगा। कथा गायन के साथ कथा का आरंभ होता है, इसमें जितने भी अंक हैं उनकी आरंभ और समाप्ति जो है कथा गायन के साथ है। एक तरह से कथा गायन के माध्यम से परिस्थितियों का वर्णन कवि ने स्वयं ही कर दिया है। टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है, पांडव ने कुछ कम, कौरवों ने कुछ ज्यादा, ये रक्तपात अब कब समाप्त होना है, ये अयब युद्ध है कि नहीं किसी की भी जय, दोनों ही पक्षों ने खोना ही खोना है, अंधों से शोभित था युग का सिंहासन, दोनों ही पक्षों में विवेक ही हारा, दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन, भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया, जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया, द्वापर युग बीत गया। छोटी सी उसने कथा गायन सामने रखा लेकिन बहुत बड़ी बातें कही हुई है कि दोनों, एक तो ये कहा कि दोनों ही पक्षों ने जो मर्यादाओं को तोड़ा, ये नहीं कह सकते कि दोनों पक्ष धर्म पर चले, दोनों पक्षों ने मर्यादाओं को तोड़ा है, पांडवों ने कुछ कम, कौरवों ने कुछ ज्यादा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सभी धर्म पर चले होंगे। और दूसरी बात ये कि इसमें किसी की जीत नहीं हुई, दोनों ही पक्षों ने खोया है, अंधों से शोभित था युग का सिंहासन, अंधों से यानी कि आंखों से तो वो अंधे थे लेकिन वो भविष्य को भी नहीं देख पाते थे कि उनके कर्मों का फल क्या होगा, वो जो आज कर्म कर रहे हैं वो भविष्य में क्या फल देंगे। और उसके बाद सभी क्या थे, जीता क्या, अंधापन जीत भी गया। और किस किस चीज का अंधापन, भय का अंधापन, उसने कहा ममता का अंधापन, जो धृतराष्ट्र थे उनकी ममता अपने बच्चों के प्रति थी, वो पांडवों को कुछ नहीं देना चाहते थे, अधिकारों का अंधापन, अब स्वयं का अधिकार समझना, दूसरों के अधिकार को मान्यता ना देना, अर्थात जो सुंदर था शुभ था वो बीत गया, द्वापर युग बीत गया। 4 युग होते हैं ये द्वापर युग, इसके विषय में जो कहा गया है मैं इसके विषय में आपको बताता हूँ, युग 4 माने जाते हैं, सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। सतयुग जो था उस समय जो हमारे विष्णु के अवतार हुए उसमें थे मत्स्य, कच्छ, विराह, नरसिंह और वामन अवतार, ये जो 5 अवतार हुए थे ये सतयुग में हुए थे। उसके बाद आया हमारा त्रेता युग जिसमें राम अवतार और परशुराम अवतार हुए। इसके बाद हमारा ये द्वापर युग, द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार, जो एक पात्र है यहाँ के जिनको विष्णु का अवतार माना जाता है, और उसके बाद बलराम को भी माना जाता है कई बार, आगे चलकर कलयुग में बुद्ध अवतार हो चुका है और इसके बाद कलगी अवतार होगा ये माना जाता है। तो द्वापर युग जो था वो बीत गया, उसके बाद कलयुग का आरंभ हुआ था आज से लगभग 5,5200 साल पहले, तो उसी से उससे पहले की ये महाभारत की घटना है। तो द्वापर युग जो बीत गया, द्वापर से क्या तात्पर्य है, मैं आपको ये समझा रहा था कि युग 4 होते हैं उनके नाम मैंने अब तक बताया, इसके बाद जो है वो नाटक आरंभ होता है।
ये महायुद्ध के अंतिम दिन की संध्या है, छाई चारों ओर उदासी गहरी, कौरव के महलों का सोना गलियारा है, घूम रहे केवल दो बूढ़े प्रहरी। यहां से एक तरह से नाटक आरंभ होता है, मंचन आरंभ होता है कि दो प्रहरी पहरा दे रहे हैं, स्टेज खाली है, दो प्रहरी पहरा दे रहे हैं, गलियारे में इधर उधर घूम रहे हैं। मैं एक बार प्रहरियों के क्या वार्तालाप होता है इसको मैं पढ़ लेता हूं, आपको अधिकतर चीजें समझ में आ जाएंगी और उसके बाद मैं इसकी चर्चा आपके साथ कर दूंगा। थके हुए हैं हम पर घूम घूम पहरा देते हैं इस सूने गलियारे में, सूने गलियारे में जिसके इन रतन जटित फर्शों पर कौरव वधुएं मंथर गति से सुरभित पवन तरंगों से चल दी थी, आज वे विधवा हैं। थके हुए हैं हम इसलिए नहीं कि कहीं युद्धों में हमने भी बाहुबल दिखाया है, प्रहरी थे हम केवल, 17 दिनों के लोम हर्षक संग्राम के भाले हमारे थे, ढाले हमारी थे, निरर्थक पड़ी रही अंगों पर बोझ बनी, रक्षक थे हम केवल लेकिन रक्ष लिए कुछ भी नहीं था यहाँ। उसके बाद फिर से प्रहरी कहता है, रक्ष लिए कुछ भी नहीं था यहाँ, संस्कृति थी एक बूढ़े और अंधे की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, जिसके अंधेपन में मर्यादा गलित अंग वेश्यासी प्रजाजनों को भी रोगी बनाती फिरी, उस अंधी संस्कृति उस रोगी मर्यादा की रक्षा हम करते रहे थे 17 दिन, जिसने अब हमको थका डाला, मेहनत हमारी निरर्थक थी, आस्था का, साहस का, श्रम का, अस्तित्व का हमारे कुछ अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था, अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था, जीवन के अर्थहीन सूने गलियारे में पहरा दे देकर अब थके हुए हैं हम, अब थक चुके हैं। तो ये वार्तालाप प्रहरियों में चल रहा है। तो मेन जो चार बातें कही वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। उन्होंने क्या कहा, पहली बात जो उन्होंने कही कि हम एक ऐसे महल की रक्षा कर रहे हैं जहां कभी कौरव वधुएं 16 श्रृंगार करके घूमा करती थी, आज वो विधवा है, और हम एक ऐसे महल की रक्षा कर रहे हैं यहाँ रक्षा करने योग्य कुछ भी नहीं बचा। और उसके बाद ये कहते हैं कि एक अंधे की संस्कृति ने यहां पर सब कुछ नष्ट करके रख दिया, और उसके बाद हमने कभी युद्ध नहीं लड़ा, फिर भी हम थक चुके हैं, अर्थात हमारा जीवन यूं ही चला गया। तो इस तरह की जो ये बातचीत है उनमें आपस में हो रही है, तभी अचानक एक ध्वनि होती है चारों तरफ, ऐसा लगता है कि बड़े से बादल गड़गड़ाते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन वो देखते हैं कि हजारों नर भक्षी गिद्ध उड़ते हुए कुरुक्षेत्र की ओर चले जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहां पर 17 दिन युद्ध चलता रहा, वहां पर कई लाशें बिछी हैं, कई घायल सैनिक बिछे हैं, और वह कुरुक्षेत्र की ओर ये नर भक्षी गिद्ध उन्हें खाने के लिए जा रहे हैं। विडंबना देखिए, कैसी विडंबना है, मानव मरा पड़ा है और जानवर उसे खाने के लिए जा रहे हैं, और किस कारण से, अंधेपन के कारण से, दूरदर्शिता के अभाव के कारण से ये इतना बड़ा युद्ध हुआ। उसी की घटना आगे है, मैं उसको पढ़ रहा हूं। सुनते हो कैसी है ध्वनि ये व्यवहार, सहसा अंधियारा क्यों होने लगा, देखो तो दिख रहा है कुछ, अंधे राजा की प्रजा कहां तक देखे। देखो क्या बात कही है, अंधे राजा की प्रजा कहां तक देखे। वो राजा अंधा था जो भविष्य को नहीं देख पाया, उसने युद्ध छेड़ा और सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करके रख दिया, प्रजा भी तो उसी की है। तो ये एक व्यंग किया गया है कि अंधे राजा की प्रजा कहां तक देखे, दिख नहीं पड़ता कुछ, हाँ शायद बादल हैं, बादल नहीं वे गिद्ध हैं, लाखों करोड़ों पांखें खोले, लो सारी कौरव नगरी का आसमान गिद्धों ने घेर लिया, झुक जाओ डालों को नीचे छिप जाओ, नरभक्षी हैं वे गिद्ध, भूखे हैं, लो ये मुड़ गए कुरुक्षेत्र की दिशा में, मौत जैसे ऊपर से निकल गई, अशकुन है भयानक वह, पता नहीं क्या होगा कल तक इस नगरी में। तभी अचानक ध्वनि होती है, कौन है, विदुर कहते हैं, विदुर का प्रवेश होता है, मैं हूं विदुर, देखा धृतराष्ट्र ने, देखा ये भयानक दृश्य, ये दृश्य भी विदुर ने भी देखा। वो प्रश्न करते हैं आगे से, प्रहरी क्या कहता है, देखेंगे कैसे, अंधे हैं, कुछ भी क्या देख सके अब तक वे। तात्पर्य यह है कि दुर्योधन अपनी संतान के प्रति उनका ममता का अंधापन उन्हें भविष्य में भी नहीं देखने दे रहा था, यानी कि भविष्य को देख ही नहीं पाया था कि उनके इस अंधेपन का परिणाम क्या होगा। आंखों से तो वो अंधे थे लेकिन
ममता के अंधेपन में बशीभूत होकर वो पांडवों का हिस्सा नहीं दे पाए और जिसके कारण ये जो था वो युद्ध हुआ, तो उसी को एक तरह से कटाक्ष करते हुए प्रहरी कहता है, मिलूंगा उनसे अशकुन भयानक है, पता नहीं संजय क्या समाचार लाए आज। संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी व्यास से, यानी कि वो जितना भी युद्ध का हाल है वो धृतराष्ट्र को सुना सकते थे। उसी संजय के विषय में ये कहते हैं, संजय उनके धृतराष्ट्र के सारथी भी थे, उन्हीं को ये दिव्य दृष्टि मिली थी, तो वो ये देखते हैं कि क्या समाचार लाते हैं। फिर से कथा गायन होता है कुरुक्षेत्र से कुछ भी खबर ना आई, जीता जा हारा बचा कुचा कौरव दल, जाने किसकी लोथों पर जा उतरेगा ये नरभक्षी गिद्धों का भूखा बादल, अंतरपुर में मरगट सी की खामोशी, कृष्ण गांधारी बैठी है शीश झुकाए, सिंहासन पर धृतराष्ट्र मौन बैठे हैं, संजय अब तक कुछ भी संवाद न लाए। चिंतित है युद्ध का क्या हाल हुआ होगा, धृतराष्ट्र कौन संजय। विदुर प्रवेश करते हैं महल में, उधर से धृतराष्ट्र पूछते हैं, विदुर कहते हैं, नहीं विदुर हूं महाराज, विबल है सारा नगर आज, बचे खुचे जो भी 10-20 लोग कौरव नगरी में हैं, अपलक नेत्रों से कर रहे हैं प्रतीक्षा संजय की। महाराज चुप क्यों हैं इतने, आप माता गंधारी भी मौन है, दोनों को चुप देखकर विदुर पूछते हैं। विदुर जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है, जो धृतराष्ट्र कहते हैं, विदुर पूछते हैं, आशंका आपको जो व्यापी है आज, वह वर्षों पहले हिला गई थी सबको, पहले पर कभी भी तुमने ये कहा नहीं। विदुर कहते, भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, अंतापुर में आकर कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेट कर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। कहते हैं कि ये जो आशंका व्यापी है, विदुर समझाने का प्रयत्न करते हैं, धृतराष्ट्र पूछते हैं, मुझे किसी ने समझाया क्यों नहीं, तो विदुर कहते हैं कि आपको तो सबने समझाया था, स्वयं कृष्ण आए थे समझाने के लिए। तो कृष्ण किस तरह से आए थे, वो एक तरह से जब पांडवों का 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त हुआ, जब वनवास क्या था अज्ञातवास क्या था इसके बाद विषय में भी मैं समय 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 पर चर्चा करूंगा आपके साथ, तो समाप्त हो गया, तो अपना हक मांगने के लिए उन्होंने दूत भेजा, जिस पर उन्होंने कुछ भी देने से इनकार कर दिया, इस पर कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर गए थे और उन्होंने समझाया था कि आप यहाँ तो उनका अपना हिस्सा दे दो, नहीं तो मात्र 5 गांव दे दो, जिससे पांडव चुपचाप पड़े रहेंगे, अपना हक नहीं मांगेंगे पूरा। लेकिन दुर्योधन ने वो भी देने से इनकार कर दिया और उसका परिणाम ये हुआ था। तो इसी बात को लेकर ये कहते हैं कि आपको तो सभी ने समझाया था, समझ नहीं सकते हो विदुर तुम, मैं था जन्मांत कैसे कर सकता था ग्रहण में बाहरी यथार्थ जा सामाजिक मर्यादा को। तात्पर्य ये कि मैं अंधा था, मैंने अपना एक सत्य बना रखा था, ये भी एक तरह से प्रत्येक व्यक्ति के लिए कहा गया है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी सोच के अनुसार एक सत्य और असत्य की परिभाषा गढ़ लेता है और उसी को वह सत्य समझता है। यही बात धृतराष्ट्र कह रहे हैं, धृतराष्ट्र तो आंखों से अंधे थे, कहीं ना कहीं जब हम अपने ही बात को सत्य समझते हैं, दूसरों की बात को नहीं सकते समझते, उस समय कहीं ना कहीं हम भी तो अंधे होते हैं। जैसे संसार को किया था ग्रहण अपने अंधेपन के बावजूद धृतराष्ट्र, पर वह संसार स्वतः अपने अंधेपन से उपजा था, मैंने अपने ही व्यक्तिक संवेदन से जो जाना था केवल उतना ही था मेरे लिए वस्तु जगत, इंद्रजाल की माया सृष्टि के समान घने गहरे अंधियारे में एक काले बिंदु से मेरे मन ने सारे भाव किए थे विकसित, मेरी सब वृत्तियां उसी से परिचालित थी, मेरे स्नेह मेरी घृणा मेरी नीति मेरा धर्म बिल्कुल मेरा ही व्यक्तित्व था, उसमें नैतिकता का कोई बाह्य मापदंड था ही नहीं, कौरव जो मेरी मासलता से उपजे थे वह ही थे अंतिम सत्य, मेरी ममता की वही नीति थी मर्यादा थी। तात्पर्य यह कि जो मैंने अपने स्वयं में एक सत्य बना लिया था उसी को मैं मानता था, मैं दूसरे की बात कैसे सुन सकता था, पर आज भी प्रत्येक व्यक्ति इसी दशा में है। तत्पश्चात पहले ही दिन से किंतु आपका ये अंतिम सत्य कौरवों का सैनिक बल होने लगा था सिद्ध जूठा और शक्तिहीन, पिछले 17 दिन से एक एक कर पूरे वंश के विनाश का संवाद आप सुनते रहे। तात्पर्य ये कि जो आपने समझा था कि जो मैं सोचता हूं वही सत्य है, ये पहले दिन से ही
आपको लग जाना चाहिए था कि जो आपने सत्य का आडंबर जो पहन रखा है, जिसको आप सत्य समझते हैं वो नहीं है, लेकिन आपने उसको समझने का प्रयास तक नहीं किया। मेरे लिए संवाद सब निरर्थक थे, धृतराष्ट्र कहते हैं, मैं हूं जन्मांध, केवल सुन ही तो सकता हूं, संजय मुझे देते हैं केवल शब्द, उन शब्दों से जो आकर चित्र बनते हैं, उनसे मैं अब तक अपरिचित हूं, कल्पित कर सकता नहीं कैसे दुशासन की आहत छाती से रक्त उबल रहा होगा, कैसे क्रूर भीम ने अंजुली में धार उसे ओठ कर तर दिए होंगे। तो दुशासन की छाती को फाड़ कर मैं उसका खून निकाल कर और द्रौपदी के केश धोऊंगा, एक प्रतिज्ञा ली थी भीम। वो इसलिए ली थी, जब युद्ध क्रीड़ा में द्रौपदी को हरा दिया और बालों से घसीटता हुआ दुशासन उसे राजसभा तक लेकर आया था, अब उस समय भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इसके रक्त से द्रौपदी के केशों को धोऊंगा। उसी बात की चर्चा यहाँ पर चल रही है। गंधारी कानों में हाथ रखे, महाराज मत दोहराएं, ये सह ना पाऊंगी, माता है वो कहां पुत्र की मृत्यु का वर्णन को सह पाती। आज मुझे भान हुआ मेरी व्यक्तिगत सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है, यानी कि जो हम सोचते हैं वो सत्य नहीं होता, हमारी सीमाओं के बाहर भी सत्य है। आज मुझे भान हुआ सहसा ये लगा कोई बांध टूट गया, कोटि कोटि योजन तक दहाड़ता हुआ समुद्र मेरी व्यक्तिगत अनुमानित सीमित जग को लहरों के विषय जिह्वाओं से निगलता हुआ मेरे अंतर्मन में बैठ गया, सब कुछ बह गया, मेरे अपने व्यक्तिगत मूल्य, मेरी निश्चिंत किंतु ज्ञानहीन आस्थाएं। तो वही बातें उसने कही हुई हैं धृतराष्ट्र ने यहाँ पर, कि आज मुझे लगा कि जो मैं सोचता था वो सत्य नहीं था, अगर उस सत्य को मैं पहले स्वीकार कर लेता तो हो सकता है इतना विनाश ना होता। लेकिन हम सभी जानते हैं हमारा प्रत्येक का यही है कि हम जो सोचते हैं, जो स्वयं में समझते हैं, हम समझते हैं जो मैं सोचता हूँ वही ठीक है, बाकी गलत है। विदुर ये जो पीड़ा ने पराजय ने दिया है ज्ञान दृढ़ता ही देगा वह। तात्पर्य ये कि ठीक है पराजय हुई, आपको अब ज्ञान मिला, लेकिन आप अब मन से दृढ़ होंगे, आप समझ में आएगा कि जब ज्ञान की प्राप्ति, क्योंकि गीता का ज्ञान इससे पहले कृष्ण ने दिया था, अर्थात आत्मा परमात्मा के संबंध में ज्ञान दिया, ये भी एक बड़ा विषय है, कभी इस पर चर्चा करेंगे, तो दृढ़ता ही देगा। किंतु इस ज्ञान ने भय ही दिया विदुर, जीवन में प्रथम बार मुझे फिर आशंका व्यापी है। वही पहली बात फिर से उसने कही, भय है तो ज्ञान है अधूरा भी। तात्पर्य ये कि मृत्यु जीवन ईश्वर के हाथ में है, किसी प्रत्येक अपने हाथ में नहीं है। अगर उससे भय व्यक्ति को लगता है, वो चाहे पुस्तकीय ज्ञान में कितना भी पारंगत हो जाए, इसका अर्थ हुआ वो पुस्तकीय ज्ञान है, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। प्रभु ने कहा था ज्ञान जो समर्पित नहीं है अधूरा है, मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे, वे से मुक्त होकर